की रोशनी इस समय मन से हमें ये संदेश दे रही है कि आप किस तरह से इस ऐतिहासिक क्षण को अपने अपने कैमरों में कैद करना चाहते हैं और दाएं या बाएं जो विश्व भर दर्शक यहाँ देख रहे हैं और जाहिर सी बात है पंचकुला के इतिहास में पहली बार ये मौका हो रहा है। राज्यपाल महोदय के आगमन से कार्यक्रम बहुत खास है, उनका भी यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन, हम स्वागत करते हैं। ये जो खास कार्यक्रम है वो देखने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ विनीत गर्ग साहब पधारे हैं। श्री महाराज श्री आदर्श रामलीला ड्रामेटिक क्लब पंचकुला की तरफ से बहुत ही शानदार ये कार्यक्रम होता है, साथ ही सहयोग इसमें मिल रहा है रामलीला क्लब बराड़ा अंबाला का। देवियों से जो हम आप सबको बताएं कि श्री माता मनसा देवी चैरिटेबल डेवलपमेंट ट्रस्ट की साहब अमित जिंदल साहब, ये सब तमाम पदाधिकारी है जो बहुत मेहनत के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी भूमिका अदा करते रहते हैं, और जो रामलीला है जिसके साथ आप लगातार जुड़े रहते हैं उसके पदाधिकारी भी हमारे बीच मौजूद है। मुंशी राम अरोड़ा साहब, जो लीलाधारी सचदेवा साहब, महासचिव अचिंत आनंद साहब, प्रबंधक निशांत आनंद साहब जो सचिव हैं, और श्री राम लीला क्लब बराड़ा जिन्होंने ये बड़ा ऐतिहासिक रावण आपके सामने लेकिन कुछ ही देर में कुछ ही पलों में ये ऐतिहासिक पुतला आपके सामने रहने वाला नहीं है। राज्यपाल महोदय निवेदन करते हैं कि जल्दी से आप ही मंच पर तशरीफ ले आए, आप इस समय बीच में हैं और इस समय राम रावण का युद्ध बीच में चल रहा है। आप सब जानते हैं कि आदर्श रामलीला ड्रामेटिक क्लब उसके कलाकार लगातार जो पिछले कई दिनों से बहुत मेहनत के साथ आपके सामने शानदार रामलीला का प्रदर्शन कर रहे थे, हरीश सहनी अमित जिंदल साहब, हरीश सहनी अमित जिंदल साहब, और इस समय सम्मान उनका हो रहा है जिन्होंने विशाल पुतला तैयार किया है। राणा तेजेंद्र सिंह चौहान साहब, जोरदार तालियां खुद के लिए बजाइएगा। राणा तेजेंद्र सिंह चौहान साहब इस समय मंच पर आपके सामने। राज्यपाल महोदय से निवेदन करते हैं तनवीर जाफरी साहब, श्री रामलीला क्लब बराड़ा तनवीर जाफरी का बटन दबाकर रावण के का दहन करेंगे। ये ऐतिहासिक लम्हा जिसका इंतजार बहुत देर से आपको था अब वो आ गया है, और पूरी नई तकनीक के साथ साथ में जलाने लाए।